सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हलके में दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ अपील पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उजरदारी केस में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, कासिम सूरी पर क्यों ना आईन शिकने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। साबिक DGISI फैज हमीद ने शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मनघड़त करार दे दिया। फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी केस में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा, शौकत अजीज सदीकी से कभी राब्ता नहीं किया, इनसे मिला और न ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर, एहतसाब अदालत का फैसला कलदम करार देने की सदा। मौकफ अपनाया कि केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता रोज़ 4 मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। केस की समाअत ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन अडियाला जेल में करेंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं, हमें मजीद मोहलत दी जाए, सरकारी वकील का मौकफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरयार अफरीदी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस किसी और बेंच को मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद। MPO ऑर्डर से मुतालिक रिकॉर्ड अदालत में पेश। एक सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रखे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।